ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआ ना था ना पाक थे, दी हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआ ना था ना पाक थे, पाक रू हमको दी, पाक हमको किया, पाक रू हमको दी, पाक हम इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। पाप की नींद में हम थे सोए हुए, थे गुनाह के अंधेरों में खोए हुए, पाप की नींद में हम थे सोए हुए, थे गुनाह के अंधेरों में खोए हुए, तूने सच के चिरागों को रोशन किया, तूने सच के चिरागों को रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे।
मैं जसवीना मल। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम सुंदर दिखने के लिए दोहरी ठोड़ी यानी कि डबल चिन से बच सकते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी ठुड्डी पर अत्यधिक चर्बी जमी रहती है। इस जमी चर्बी को हम डबल चिन भी कहकर बुलाते हैं। इस समस्या के बारे में कई गलत फहमियां लोगों के दिमाग में छाई हुई हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस समस्या से जूझ रहे लोगों को क्या खाना चाहिए और किस चीज से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले आइए देखते हैं दोहरी ठुड्डी के कारण। नंबर एक, वंशानुगत चेहरे की संरचना डबल चिन कई परिवारों में पाया जाता है। यहाँ तक कि कई सदस्य ऐसे भी होते हैं जो देखने में दुबले पतले होते हैं, लेकिन फिर भी उनके डबल चिन होती है। जीन संभावना अधिक होने के नाते उनके शरीर पर फैट ठुड्डी पर जाकर जमा हो जाती है। नंबर दो, अतिरिक्त पानी प्रतिधारण। कई गर्भवती महिलाओं में शरीर में अधिक पानी जमा हो जाने की वजह से भी ठुड्डी में सूजन आ जाती है। जिस तरह उनका पूरा शरीर फैल जाता है, उसी तरह से इस दौरान डबल चिन भी हो जाना आम बात होती है। नंबर तीन, मोटापा। अधिक वसा जमने का प्रमुख कारण मोटापा भी होता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो पूरे शरीर पर चर्बी जमेगी और जब फैट सेल को शरीर पर और कोई जगह नहीं मिलती तो वह चेहरे के नीचे ठुड्डी के नीचे थैली बनाकर जमने लगती है। नंबर चार, बुढ़ापा। अत्यधिक ठुड्डी होना भी बुढ़ापे की ही देन होती है। यह और कुछ नहीं बल्कि झुर्रियों की ही होती है। अगर आपके चेहरे पर पहले से ही एक्स्ट्रा चिन है तो बूढ़े होने तक तो यह और भी बदतर हो जाएगा। इस एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा और साथ ही व्यायाम भी करना होगा। भोजन को सही प्रक्रिया से अगर खाया जाए तो भी फायदा पहुंचता है। भोजन को हमेशा अच्छी तरह से और चबा चबा कर ही खाना चाहिए। इससे बचने के उपाय क्या होते हैं, आइए एक बार उन पर भी गौर करें। नंबर एक, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि इस डबल चिन के होने का क्या कारण है। उसके बाद अपने डाइट पर ध्यान दें। अगर आपकी इस समस्या के पीछे अत्यधिक पानी का अवरोधन है तो अपनी डाइट से सोडियम और पोटेशियम को हटा दें। इसका यह मतलब कि अपने भोजन में कम से कम नमक का प्रयोग करें। नंबर दो, अगर आपको लगता है कि यह समस्या वंशानुगत है तो शुरुआत से ही अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दें। अपनी लाइफस्टाइल में जंक फूड और वसा युक्त पेय को बिल्कुल ना आने दें। नंबर तीन, मोटापा भी ठुड्डी के पास वसा एकत्रित होने का आम कारण है। इसलिए अपने शरीर से चर्बी को दूर करने की कोशिश कीजिए, जिससे चेहरे के नीचे की चर्बी खुद ही गायब हो जाएगी। ट्रांस फैट और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ना आने दीजिए। तो आपने जाना और इस तरह से आप अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। परमेश्वर आपको हमेशा सुंदर और तंदुरुस्ती और सेहत बख्शे। आमीन।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। मसीह हो तुम ना इसको बुलाना, गुनाहों से तुम अपना दामन बचाना। गुनाहों से तुम अपना दामन बचाना। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। मसीह हो तुम ना इसको बुलाना। खुदा की इबादत में हर पल बिताना, हर एक हाल में शुक्र उसका मनाना, तराने सदा उसकी रहमत के गाना। तराने सदा उसकी रहमत के गाना। तूने की किराहों मसीह हो ये पैगाम सबको सुनाना। बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना। मसीह हो तुम ना इसको भुलाना। उठाया कि बच जाए हम, उसने खुद को मिटाया।
खुशियाँ खुद आंसू पिए, हमें दे के खुशियाँ खुद आंसू पिए, हमेशा उसे अपने दिल में बसाना, बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना, मसीह हो तुम ना इसको भुलाना। हक है ये, इसको ना भूल जाना। मसीह हो तुम ना इसको बुलाना, गुनाहों से तुम अपना दामन बचाना, गुनाहों से तुम अपना दामन बचाना, बाइबल की नसीहत है ये, इसको ना भूल जाना, मसीह हो तुम दुआ करते रहना, मसीह हो दुआ करते रहना, मसीह हो दुआ करते रहना, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, बाइबल हमसे कहती है यदि हम अपने हृदय में पाप को छिपाए रखें, यदि जानते हुए पाप से लिप्त रहें, तो परमेश्वर हमारी एक भी नहीं सुनेगा, परंतु पश्चाताप करने वाली आत्मा की प्रार्थना सदा स्वीकार होती है। जब हम अपनी उन बुराइयों को छोड़ देंगे जो हम अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर और जानते हुए भी कि ये गलत है करते ही जाते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हमारे सद्गुण अच्छे काम हमें परमेश्वर के कृपा पात्र बनने की सिफारिश नहीं करेंगे, केवल यीशु की ही योग्यता हमारा उद्धार करेगी, उसका खून हमें शुद्ध करेगा, परंतु फिर भी हमें स्वीकार होने योग्य बनने के लिए शर्तों को पूरा करना जरूरी है। प्रार्थना स्वीकार होने की दूसरी शर्त विश्वास है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 वचन, यीशु ने अपने चेले से कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24 कि हम उसके वचन पर पूरा विश्वास करते हैं। ये प्रतिज्ञाएं असीम है और उनका क्षेत्र विस्तृत है, परंतु जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। जब हम उन चीजों को नहीं पाते हैं
जिनके लिए प्रार्थना करते हैं अथवा उसी समय नहीं पाते हैं, तो भी हमको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सुनता है, प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। हम गलती करते हैं, अपनी नासमझी के कारण ऐसी वस्तुएं मांग बैठते हैं जो आशीष पत्र नहीं होती, तो भी हमारा स्वर्ग पिता प्रेमवश हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उसके स्थान पर वो वस्तु देता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। अर्थात यदि हमारे आत्मिक नेत्र खोल दिए जाते तो हम चीजों को असली रूप में देख सकते जिनको हमने मांगा था। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलने जैसा लगने लगता है तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा से और भी चिपट जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर अवश्य ही मिलेगा और उन्हीं आशीषों को प्राप्त करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। परंतु यह दावा करना कि प्रार्थना का सदा उसी तरीके से उत्तर मिलना चाहिए और वही वस्तु मिलनी चाहिए जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, ये तो हमारे विचार हैं जो कठोर है। परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता और इतना दयालु है कि सीधी राह पर चलने वालों से कोई भली चीज छिपा नहीं रखेगा। उस पर भरोसा करने से मत डरिए। चाहे आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना भी मिला हो, उसकी इस विश्वसनीय प्रतिज्ञा का विश्वास कीजिए। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम लोग अपनी शंकाओं तथा डरों को अपने मनों में स्थान दें, विश्वास के उदय होने से पहले ही उलझनों का समाधान करने की कोशिश करने लगे तो कठिनाइयां बढ़ जाएगी और समस्याएं गंभीर हो जाएगी। यदि हम अपने आप को लाचार तथा कमजोर समझते हुए परमेश्वर के पास आए और नम्रता के साथ अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रख दें, इसका ज्ञान असीम है जो सारी सृष्टि की वस्तुओं को देखता है, उन पर अपनी इच्छा और वचन द्वारा शासन करता है। वही हमारी पुकार पर ध्यान देगा और प्रकाश को हमारे हृदय में चमकाएगा। सच्ची प्रार्थना द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर की बुद्धि से जुड़ जाता है। शायद उस समय का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नजर में ना आए कि उद्धारकर्ता हमारे ऊपर प्रेम और दया प्रदर्शित कर रहा है, परंतु वास्तव में वो ऐसा करता है कि हम उसकी स्पर्श को चाहें देख ना सके अथवा महसूस ना कर सके। पर यह निश्चय जानिए कि उसका करुणामय हाथ हमारे ऊपर है। जब हम परमेश्वर से दया करुणा क्षमा के लिए विनती करते हैं तो हमारे अपने हृदय में भी दया क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। हम कैसे ये प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जबकि क्षमा ना करने की भावना को मन में पालते रहें, यदि हम अपनी प्रार्थनाओं को सुने जाने का इंतजार करते हैं तो दूसरे को भी उसी प्रकार क्षमा कर देना चाहिए जिस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरी शर्त प्रार्थना को ग्रहण किए जाने के लिए यह है कि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। यदि हम विश्वास और अनुभव में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें सदा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। मेरे मित्रों, प्रार्थना हमारे जीवन का एक अंग है। प्रार्थना हमारे जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो मरा हुआ व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वे निरंतर हमेशा प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों,
प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। पत्रस विश्वासियों को ये कहते हुए उत्साहित करता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संत पौलुस आदेश देता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे मित्रों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रार्थना का जीवन जीना चाहते हैं? कि आप शैतान के चंगुल में फंसे हैं और प्रार्थना नहीं करते? उस जीवित परमेश्वर का आपके पास ज्ञान नहीं है जो आपको सब कुछ दे सकता है? आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर द्वारे पिता, हम आज सुनने वाले हर एक श्रोताओं, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते खुदावन, छोटे बच्चे, जवानों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन कि तू उन्हें उत्साहित कर, उन्हें बता कि प्रार्थना क्या है। तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर खुदावन, हम चाहते हैं तू सबको प्रार्थना का जीवन दे ताकि वो तेरे इस महान कार्य को समझ सके जो तू इस पृथ्वी पर उनके द्वारा करना चाहता है। मेरे मित्रों, ये एक ऐसा चीज है जो आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपसे करना चाहता है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morris@awr.gmail.com, morris@awr.gmail.com। हमारे प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में वेबसाइट पर सुन सकते हैं। हमारा आईडी है AWR Hindi Asia। प्रोग्राम सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।